हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय कुकिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक नई रेसिपी लेकर आया हूँ, अल्लाह भट्ट का पास्ता कैसा लगा ना, शुरू से अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करके रखना, इसे मज़ेदार वीडियो मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पैन में गार्लिक ले लिया, उसके साथ ऑयल डाल के मैंने कह के डाल दिया, बीन्स डाल दिया एंड चेरी टमाटो, इसको गार्लिक का साथ पकाना है। गार्लिक जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक ये करके पकाना है। उसके साथ हल्का मैं सॉल्ट मार देता हूँ ऊपर से। सॉल्ट डालने के बाद जैसा हमारा गार्लिक बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, हम क्या करना है, आला भट्ट का सॉस बना के रखा था पहले से, उसमें रेसिपी आप लोगों को मेंशन कर दूँगा क्या जाते हैं आला भट्ट का सॉस में, उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में। फिर उसको क्या करना है, आलू भट्टा को डालना है, डाल के इसको सॉस को अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद क्या करना है, पास्ता डालना है, पैने पास्ता, आप पैने पास्ता डाल सकते हो, स्पेगेटी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, वो आप लोगों का पसंद है। जो आप इसका साथ सब्जी भी डाल सकते हो, चिकन बना के भी खा सकते हो, कोई बात नहीं है। फिर इसको सॉस पकाने के बाद अच्छे से सॉस पकाना है, जो हमारा पास्ता भी अच्छे से कुक हो जाए। फिर ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगा, ओरिगिनो एंड ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। सॉस हमारा बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। पास्ता भी आपको जूसी जिस हिसाब से रखना है उसी हिसाब से रख सकते हो। अब फिर उसके बाद हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। प्लेट में सॉल्व करता हूँ, देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, और अभी तक की तरफ देखने में भी कूल लग रहा है। गर्मा गर्म पास्ता खाओगे तो इसमें मज़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद डाल दूंगा पार्मेजन चीज़ और ऊपर से डाल दूंगा बेसिल लीफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कॉमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।